स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज द्वारा आयुष चिकित्सकों के बारे में दिए गए बयान के बाद अब बवाल खड़ा हो गया है। विज के इस बयान के बाद अब कई डॉक्टर उनके कहे शब्दों को उन्हें वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि अनिल विज का यह बयान उनकी संकुचित मानसिकता को दर्शाता है, उन्हें अपने कहे शब्द वापस लेने चाहिए। इस बारे में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हरियाणा चेयरमैन डॉक्टर सुनील पवार, इंद्री से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर नवजोत कश्यप पवार ने स्वास्थ्य गृह मंत्री अनिल विज के आयुष चिकित्सकों के संदर्भ में दिए गए बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अनिल विज द्वारा दिया गया बयान अति निंदनीय है। MBBS के समक्ष 5.5 वर्ष की अवधि का BAMS डिग्री कोर्स अगर अनिल विज को नीम हकीम लगता है तो ये उनकी आयुर्वेद जो कि ऋग्वेद का एक अंग है के प्रति अधूरे ज्ञान व संकुचित सोच को इंगित करता है। भारतीय चिकित्सा पद्धति का ये अपमान उस वक्त कर रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री चिकित्सकों को फ्रंट वॉरियर्स कह के उनका सम्मान में पूरे देशवासियों से थालियां बजाने का आह्वान कर रहे हैं। मेक इन इंडिया का नारा देने वाले नेताओं को अपने ही देश की चिकित्सा पद्धति अब खतरा ए जान नजर आने लगी है। डॉक्टर सुनील पवार ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते मैं अनिल विज साहब को बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद एक प्रमाणित विज्ञान है। किसी भी वायरस को हमारा शरीर अपनी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता से निष्क्रिय कर सकता है। आयुर्वेद में अनेकों ऐसे शास्त्रीय योग रस रसायन के रूप में मौजूद हैं जिनके सेवन से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस लॉकडाउन के समय में आयुष चिकित्सक आहार विहार योग व संयम बारे में जनता को जागरूक भी कर रहे हैं और औषध द्रव्यों रस रसायन से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। आज पूरे विश्व को जहां वॉलंटियर जैसी चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है, वहीं चिकित्सा जगत में आयुर्वेद औषधियों द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। हरियाणा सरकार आयुर्वेद चिकित्सकों को दुर्गम स्थानों पर बिना मूलभूत सुविधाओं के भेजकर उनकी सेवा भी ले रही है और साथ ही गलत टिप्पणी करके उनका अपमान भी कर रही है। उन्होंने यह भी मांग की है कि सरकार कोरोना को लेकर टेस्टों की संख्या को बढ़ाए ताकि कहीं पर भी हल्की सी चूक ना हो जाए। डॉक्टर सुनील पवार व डॉक्टर नवजोत कश्यप ने कहा कि स्वास्थ्य व गृह मंत्री अनिल विज की अपने शब्द वापस लेने चाहिए और आयुष चिकित्सकों का हौसला बढ़ाना चाहिए। करनाल से संवाददाता तरुण मदान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सन्नी चौधरी समाचार एक्सप्रेस से। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता सुनील पवार जी। वो अनिल विज द्वारा आयुर्वेद व अन्य किसी मामले पर कोई बयान आया है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, देखिए उनसे रूबरू। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? सनी जी, सबसे पहले तो समाचार एक्सप्रेस की तरफ से आप मेरी प्रतिक्रिया जानने के लिए आए, मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का भी और आपका भी। माननीय हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने हरियाणा आयुष जो डिपार्टमेंट है, आयुष डिपार्टमेंट के डॉक्टरों के बारे में एक बहुत ही गलत बयान दिया है और हरी भूमि के अंदर वो बड़े मोटे मोटे शब्दों के अंदर उसको छापा गया और उसमें सीधे तौर पर लिखा है अनिल विज जी की तरफ से कि आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं वो नीम हकीम खतराए जान वाले डॉक्टर हैं। तो मैं आदरणीय अनिल विज साहब का ध्यान आयुर्वेद की तरफ लेके जाना चाहूँगा कि आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का एक हिस्सा है और मुझे लगता है कि अनिल विज साहब अधूरे ज्ञान की बदौलत इस तरीके के बयान देते हैं। आज कोरोना का संकट पूरे विश्व में छाया हुआ है और कोरोना की कोई रेमेडी वो आज डॉक्टर्स के हाथ में नहीं है और न ही इसकी कोई वैक्सीनेशन अब तक मिली है। तो ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वही काम में लेके आई जा सकती है। आज आयुर्वेद के पास दवाइयों का एक खजाना है, औषधियाँ हैं, रस हैं, रसायन हैं। अगर सही मायने में आयुर्वेद का इस्तेमाल सरकार कर पाए और उनको कोरोना के केसेस में अपनी दवाइयाँ देने का अवसर दे तो निश्चित तौर पर मैं पूरे पुरजोर के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि आयुर्वेद के अंदर कोरोना का इलाज संभव हो सकता है। आज बहुत सारे हमारे आयुर्वेद डिपार्टमेंट के अंदर रस रसायन
और यूनानी के अंदर काढ़े हैं, होम्योपैथ के अंदर आर्सेनिक एल्बा वगैरह बहुत सारी ऐसी दवाई हैं जो आज भी लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दी जाती हैं। और सबसे संकीर्ण मानसिकता में विद साहब की ये मानूंगा कि उन्होंने जिस तरीके की टिप्पणी आयुष डॉक्टर्स के बारे में की, इससे पहले ये भी नहीं सोचा कि पूरे करनाल जिले के अंदर, पूरे हरियाणा में जहाँ पर भी प्रशासन ने हॉटस्पॉट एरियाज रखे हैं, उन सभी हॉटस्पॉट एरियाज के अंदर AMO जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको डिप्यूट किया गया। हमारे करनाल के अंदर रसीन गांव है, हमारा शेखपुरा है, बिरजपुर है, अशोका कॉलोनी है, तरावड़ी, ये 5 हॉटस्पॉट जो बहुत ही जहाँ पर ये मानिए संवेदनशील इलाके हैं, इन 5 जगह पे आयुष डॉक्टरों को डिप्यूट किया। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि हरियाणा सरकार की तरफ से इन लोगों को PPE किट अब तक मुहैया नहीं कराई गई, न ही थर्मोगन की सुविधा इन लोगों के पास है। ये बोलते हैं कि आपके क्षेत्र के अंदर अगर किसी को बुखार, जुकाम, खांसी ये लक्षण मिलते हैं, सांस में दिक्कत, तो तुरंत उनको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेजें। वो बात सही है, लेकिन इन डॉक्टर्स के पास बुखार चेक करने के लिए थर्मोगन नहीं है। अगर वो साधारण थर्मोमीटर से करेंगे तो निश्चित तौर पर अगर बुखार का मरीज कोरोना संक्रमित होगा तो हमारे आयुष के डॉक्टर भी संक्रमित होंगे। और सबसे बड़ी सरकार की तरफ से अभी दिक्कत की बात मैं कहूँगा आयुर्वेद को लेके, कि इन्होंने डॉक्टर्स की भर्ती निकाली और कहा कि 89 डेज के लिए हम BMS डॉक्टर्स को नौकरी, वॉलंटियर नौकरी पे रखेंगे। और उनका वेतन इन्होंने मात्र 25,000 रुपये प्रतिमाह। कितनी मूर्खता की और कितनी असंवेदनशीलता की बात है कि आप हरियाणा के अंदर 5 वर्ष का कोर्स जो लोग करके आए हैं, जिनको आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ और साथ में एलोपैथ का ज्ञान है, आप उन डॉक्टरों की जिंदगी की कीमत 25,000 रुपये पर माह आंक रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस दुखद घड़ी के अंदर आयुष डॉक्टर जो है इतने पैसे में काम नहीं करेंगे। आयुष डॉक्टर्स को अगर आप आगे करोगे तो वो फ्री में भी आपको काम करके देंगे, लेकिन जब बाकी डॉक्टर्स को मेडिकल ऑफिसर्स की 1 लाख से ज़्यादा आप प्रतिमास वेतन करते हो और इधर आयुष डॉक्टरों को 25,000 रुपये प्रतिमाह पर आप रखना चाहते हो, तो ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का परिचय आप लोग देते हो। तो जो विद साहब ने टिप्पणी की आयुष चिकित्सकों के ऊपर, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, और मैं विद साहब को आगाह करना चाहूँगा कि इस समय पर जब देश के प्रधानमंत्री थालियाँ बजाकर और डॉक्टर्स को प्रेज करने के लिए ऐसा काम करवाते हैं लोगों से, तो आपको भी उनका उत्साह वर्धन करने के लिए अपनी मानसिकता को संतुलित रखना पड़ेगा। और आप ठीक है, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ चीज़ें आपकी माफ भी हो सकती हैं, लेकिन आप अपने दिमाग का संतुलन ना खोएं और कोरोना की इस महामारी के संकट के समय किसी आदमी का, किसी डिपार्टमेंट का हौसला बढ़ाएं, हौसला कमजोर ना करें। ऐसे बयानों के पीछे विद साहब की मनसा उनका अधूरा ज्ञान है, और सबसे बड़ी मनसा कि जो ये स्वदेशी की बात हम करते हैं, वो स्वदेशी के बिल्कुल विपरीत जाकर ये विदेशी की बात करते हैं। ये ठीक है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन जो है वो हमारे भारत के अंदर ईजाद हुई, दूसरे देशों को भी हम दे रहे हैं, लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो कहीं ना कहीं हार्ट, कार्डियक अरेस्ट का कारण भी कोरोना के केसेस के अंदर बनती नज़र आ रही है। ऐसे ही HIV की दवाइयाँ जो कोरोना रेमेडी के तौर पर दी जा रही है, तो वो भी कोई स्पेसिफिक और ऑथेंटिक उसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसे में आयुर्वेद को अगर बढ़ावा देंगे तो विश्व कल्याण होगा, अगर आयुर्वेद को विद साहब नीचा करने की कोशिश करोगे तो न इस देश का कल्याण होगा, न आपका कल्याण होगा। ऐसे माहौल में आप क्या आमजन को अपील करना चाहेंगे? मैं आमजन से एक ही अपील करना चाहूँगा कि लॉकडाउन का पालन करें, और जितने टाइम भी सरकार आप लोगों से लॉकडाउन की अपील करती है, घर में रहने की अपील करती है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है घर से बाहर निकलना, तो आप जाएं तो घर में आते ही नहा के अपने परिवार के साथ बैठें और डिस्टेंस मेंटेन करने का जो फार्मूला है उसको अपने जीवन के अंदर लागू करें। और प्रशासन से भी मैं गुहार लगाऊंगा कि ठीक है, बहुत घरों के अंदर राशन पहुंचा भी है, प्राइवेट संस्थानों के द्वारा भी पहुंचा है,
कुछ सरकारी जो DFSO की तरफ से भी पहुंचा है, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें अपर्याप्त हैं। अभी धीरे धीरे लॉकडाउन की अवधि जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे घरों के अंदर राशन, चीनी, पत्ती, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें भी ख़त्म होती जा रही हैं। तो प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जिन लोगों के पास BPL कार्ड नहीं है, जिन लोगों के पास हरा कार्ड है, उन लोगों की तरफ भी ध्यान दें। और जो सरप्लस के अंदर गेहूं, वो हमारे देश के अंदर पड़ा है, हमारे DFSC कार्यालयों के अंदर जो रखा गया है, उनको लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें, ताकि कोरोना से भी बचें और भुखमरी से भी अपने लोगों को बचाया जा सके। थैंक यू। नमस्कार, हमारे साथ हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और इंद्री से चुनाव लड़ चुकी डॉक्टर नवजोत कश्यप। वो आपको मौजूदा हालात जो कोरोना के हैं उसके बारे में कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगी और अपना सुजेशन देंगी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस समय? सबसे पहले तो मैं समाचार एक्सप्रेस का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारी आवाज़ को ऊपर उठाने का और जनता तक पहुँचाने का कार्य किया है इस लॉकडाउन के दौरान। देखिए, सबसे पहले लोगों को जो है, सबसे पहले गरीब वर्ग को बहुत दिक्कत हो रही है। क्या हो रहा है कि जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं वो लॉकडाउन में फंस गए हैं, जो जिनकी दिनचर्या जो थी दिहाड़ी के ऊपर निर्भर थी, अब क्या है कि उनको ना तो दिहाड़ी मिल रही है, अब अगर उनको दिहाड़ी नहीं मिली तो उनका परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा। कुछ लोग ऐसे हैं दिहाड़ीदार जिनका कि पीला कार्ड ना होकर हरा राशन कार्ड है, तो ऐसे व्यक्तियों को सरकार की तरफ से कोई भी राशन नहीं पहुँचाया जा रहा। हमारी सरकार से यही अपील है कि ऐसे व्यक्तियों की तरफ देखा जाए और उनको राशन मुहैया करवाया जाए। दूसरी बात, जो कुछ हमारे साथी हैं जो यहाँ से हरियाणा से या कहीं से भी दिहाड़ी करने के लिए दूसरी स्टेट्स में गए हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे स्टेट्स में भी गए हुए हैं, तो उनके साथ क्या दिक्कत है? अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास हमारे कांग्रेस के एक साथी का ही फ़ोन आया था छत्तीसगढ़ से। वो कह रहे थे कि हमारे ही कुछ साथी, हरियाणा के कुछ व्यक्ति जो पिछले 15-20 दिन से लॉकडाउन के दौरान वहाँ फंसे हुए हैं, दिहाड़ी करने गए हुए थे, वो वहाँ फंसे हुए हैं और उनको इस समय पर बहुत दिक्कतें हो रही हैं, उनको एक स्कूल में ठहराया गया है। तो ऐसे लोगों को जो दिहाड़ी करने के लिए बाहर गए हुए हैं और वापस नहीं आ पा रहे, उन हमारी सरकार से निवेदन है कि उन लोगों को किसी भी तरह से अपने क्षेत्र में पहुंचाने की सुविधाएं दी जाएँ, किसी भी तरह से उनको यहाँ पहुँचाया जाए ताकि वो अपने परिवार के साथ रह सकें। इसके अलावा जो सरकार ने ये कहा हुआ है कि लॉकडाउन का जो है अपील की हुई है कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये मेंटेन की जाए, हम कहते हैं कि ये मेंटेन की जाए, परंतु जो ये बसें चलाई जाएँ या कुछ भी किया जाए उसको उसमें जो भीड़ भाड़ हो रही है उसको भी ध्यान रखा जाए। जो लोग इनको हमने आपने जिन लोगों को यहाँ पहुँचाना है तो आप अपना वो देख कर कि किस तरह से इनको पहुँचाना है वो पहुँचाया जाए। अपने क्षेत्र के लोगों से इसके बचाव के लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपने क्षेत्र के लोगों से इसके बचाव के लिए सबसे पहले अपील करूंगी कि जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, ना तो घर से बाहर जाएं, ना ही किसी व्यक्ति को घर में आने दें बाहर के व्यक्ति को। दूसरा, जब भी आप बाहर से आते हैं तो अपने हाथ मुँह अच्छी तरह से धोएं, और जो भी फल फ्रूट सब्जी वगैरह आती है उनको अच्छे से धोकर ही उपयोग में लाएं। इसके अलावा अपने कान, अपनी आँख, नाक, मुंह, इनको छूने से बचें। अपने हाथों को कभी भी धोना है तो 20 सेकंड तक कम से कम धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक किसी भी साबुन से अच्छी तरह से धोएं। अपने घरों के दरवाज़ों को अच्छे से सैनिटाइज कर रखें। इसके लिए आपको कोई विशेष चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप घर में ही फिटकरी के पानी को भी ऐसे सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। करनाल में पहले कुछ पॉजिटिव केस आए थे, अब प्रशासन के मदद से करनाल कोरोना के केसों से मुक्त हो चुका है, तो आप किस तरह देखते हैं इसे? इसमें हम प्रशासन की बहुत अच्छी उपलब्धि मानते हैं और लोगों का भी सहयोग मानते हैं जिन्होंने इस चीज़ को दूर करने में सहयोग दिया, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं करती हूँ अपने डॉक्टर्स की टीम का, जिन्होंने दिन रात एक करके इस बीमारी को दूर करने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.